कहने को तो हरियाणा पुलिस प्रदेश से गुंडागर्दी चोरी की घटनाएं खत्म करने की बात कह रही है, लेकिन कितना खत्म हुआ है? लगातार लोगों को पीटा जा रहा है, लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लगातार सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, उन तस्वीरों को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस प्रदेश को लगातार गुंडागर्दी की घटनाएं कम हो रही हैं। कम हो रही होंगी, लेकिन जो ये तस्वीरें मैं आज आपको दिखाऊंगा, सीसीटीवी की फुटेज है वो आपको दिखाऊंगा, तो उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदेश में किस तरह से लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं रानिया खंड के छोटे से गाँव पत्ती राठावास की। फिलहाल मैं पत्ती राठावास की गांव की उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे रविवार 16 जुलाई 2017 को सरेआम गुंडागर्दी की गई थी। दो दर्जन के लगभग युवक आए थे और सरेआम यहां पे लोगों को पीटने लगे, लाठी डंडों और तेज धार हथियारों से पीटने लगे। अब मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, इस साइड से जो आप कैमरे की स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस साइड से वो लोग आए थे, बाइक और ट्रैक्टर पर सवार होकर के आए थे 24-25 के लोग। और सबसे पहले उन्होंने ये जो आप सामने दुकान देख रहे हैं, उस दुकान में जाकर के तोड़फोड़ करनी शुरू की। इसका बकायदा हमारे पास प्रमाण भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से जब उन्होंने एक युवक को पीटते पीटते यहाँ से होते हुए और इससे बाद यहाँ ले आए थे, ये जो लोग खड़े हैं, ये लोग उसी के रोष स्वरूप खड़े हैं कि इस प्रदेश से, इस गांव से गुंडागर्दी की जो घटना है, सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, उसको खत्म किया जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां से लेकर के ये जो पूरी गली दिखाई दे रही है, यहां पे लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन दो युवक यहाँ पे पीटते रहे, महिलाएं भी यहाँ पे, महिलाएं सामने आई, उनको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, महिलाओं पर भी वार किए, लाठी डंडों से, तेज धार हथियारों से वार किए। कुछ लोगों के चोटें भी आई जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन अब उनको छुट्टी दे दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो ये पूरी गली है, वो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोग खड़े रहकर तमाशा देखते रहे, इतना नहीं कि उन 12-13 लोगों का डटकर सामना कर सके ताकि दोबारा से वो आने की हिम्मत ना करे। केवल 4 या 5 लोग यहाँ पे थे जो उनका सामना कर रहे थे, उनमें महिलाएं भी थी, लेकिन जब महिलाएं आगे आई तो उसके बाद में कुछ युवक आए और उन युवकों को देख करके वो भाग निकले। अब आखिर क्या है मामला, इसके पीछे क्या रंजिश है, क्यों वो लोग आए थे, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों सरेआम गुंडागर्दी यहाँ पे फैलाई गई, इसके पीछे कारण क्या है, ये पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन इन लोगों से बातचीत करने के बाद यही पता चला है कि वो लोग यहाँ पे जो शराब बेचते थे, अफीम बेचते थे, और यहाँ पे उनकी घर की तरफ गलत नज़र से देखा करते थे। जब इन्होंने उनको मना किया इससे, ऐसा करने से, तो उन्होंने रंजिशन ये इस वारदात को अंजाम दे दिया। इन लोगों का ये भी कहना है कि 16 जुलाई से पहले, एक दिन पहले, जो मुख्य बस स्टैंड है गांव ढुडियावाली का, वहां पे भी उन लोगों ने 3-4 बच्चों को चोटें पहुंचाई थी, उनको भी तेज धार हथियारों से उन पे भी वार किए थे। चलिए अब जानते हैं इन लोगों से कि आखिर क्या मामला है, क्यों वो लोग आए थे, क्या रंजिश है उनकी, क्या ये लोग कहते हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है और वो लोग कौन थे जिसने यहाँ पे हमला किया? मैं पास ही कौन जी, यहाँ का नहीं। अच्छा, तो आप उस दिन थे यहाँ पे जब वो लोग आए थे? कौन थे आप? थे? हाँ जी, जी बताइए। मैं जी यहाँ का रहने वाला हूँ, और जो ये लोग थे जो आए, उन्होंने ना यहाँ पर मतलब दहशत मचानी शुरू कर दी। हमने जब इनको, हमारे भाइयों को छुटवाने की कोशिश की, तो हमारे पे भी वार किया, और वो हर दिन यहाँ पर गुंडागर्दी करते रहते हैं। जो भी उनको रोकने की कोशिश करता है, उनके साथ ऐसा ही होता है, हर रोज ऐसा होता है जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरेआम यहाँ पे पीटा गया है, क्यों, क्या कोई तो कारण होगा इसके पीछे? कारण जी सिर्फ गुंडागर्दी का है। ये बहन बेटियां जो स्कूल में जाती हैं, उनके रास्ते में खड़े रहते हैं, जो लड़कियां वैन से आती हैं, उनके भी रास्ते में खड़े रहते हैं, और नशे का यहाँ तो कारोबार हो गया जी। और इनके जो भी विरोध करता है, हमारे लड़कों ने कुछ उनका विरोध किया, तो उनके साथ यही हुआ जी। जी हाँ जी। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की उसकी, जो वो यहाँ पे आपके घरों को ताकते थे, ऐसा कुछ करते थे? हाँ जी करी है जी, एक दो बार करी है, पर वहाँ से कोई हमारे को मतलब न्याय नहीं मिल रहा है जी।
चलिए, इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस में भी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी आप बताइए, क्या कारण मानते हैं आप, क्यों वो लोग आते हैं यहाँ पे दुकान में जाकर के? एक ही दुकान को टारगेट किया था उन्होंने? नहीं, एक दुकान को टारगेट करने का सर उनका एक ही मतलब है, क्योंकि ये दुकान वाले जो हमारे बबलू जी हैं, ये मेंबर ऑफ पंचायत है, पंचायत मेंबर होने के नाते इनका फर्ज बनता है कि जो भी गांव में जो ये गतिविधियां हो रही हैं, जो गुंडा गर्दी हो रही है, इनका विरोध इनका करना फर्ज बनता है। तो इसलिए मेन टारगेट बबलू जी को रखा गया, ये समझ लीजिए कि वो इनको एक तरह से मारने ही आए थे जी। तो इसलिए जितने भी वहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे थे, तो ये तो किसी भी तरीके से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए, जबकि जो तीन चार बुजुर्ग और वहाँ बैठे थे वो उनके टारगेट पे आ गए। तो वो आप सीसीटीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि उन पर किस तरह से अटैक किया गया, एक कातिलाना हमले के तौर पर अटैक करा गया। इसका कोई बड़ा कोई रीज़न या सर रीज़न यही है कि वो जहाँ पे भी खड़े होते हैं, अनेक शिक्षण संस्थानों के आगे खड़े होते हैं, या इधर उधर कहीं पे भी खड़े होते हैं, या नशा के रिलेटेड जो भी उनकी बातें आप सामने निकल के आ रही हैं, ये गांव वाले उनका विरोध कर रहे हैं, और वो गांव वालों पे दिन ब दिन कौन कोई, कभी छोटे बच्चों को पीट दिया, कभी बड़े बच्चों को पीट दिया, और अभी आपने देखा कि औरतों के भी चोटें आई हैं। तो सीसीटीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं, औरतों के भी चोटें आई हैं, कुछ बुजुर्गों के भी चोटें आई हैं, और कुछ जो उनका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी तरफ भी तेज धार हथियारों से उन पर हमले कर रहे हैं। तो मेन रीज़न तो यही है जी। चलिए आप बताइए सर, आपकी दुकान पे हमला किया गया था, क्या कारण है, आपसे रंजिश क्यों रखते हैं, आपने क्या कुछ उनको बोला था, कौन लोग थे वो? सर जी बात ऐसी है जी, मैं मेंबर पंचायत हूँ, मैं ना बार बार जो नशे के खिलाफ है, इनके खिलाफ मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लगभग 1.5 साल हो गया। मैंने सरपंच के माध्यम से भी और अपने खुद और अपने जो पंचायत के साथी हैं उनके माध्यम से भी कई बार कोशिश की है भी इनको जैसे भी ये नशा बेचते हैं कारोबार को बंद करवाया जाए, और हमने जीवनगर चौकी में भी कई बार जाके ये खुद बोल के ये कहा है कि ये सरेआम जो नशा बेच रहे हैं इनको रोका जाए। इसलिए वो उन्होंने मेरे को टारगेट बनाया है, ये ज़्यादा बोलने वाला है और ये हमारे खिलाफ ज़्यादा बोलता है, इसलिए वो सीधे पहले मेरी दुकान पर आए, वहाँ तोड़फोड़ की। वहीं मेरे ताऊ का लड़का, जिसका एक खुद का लड़का आर्मी में है, वो देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो खुद उस आर्मी के लड़के जो लगा हुआ है उसके पिताजी को हम बुरी तरह पीटने लगे, जिसकी जो सब कुछ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है, वो हमने आपको दिखा भी चुके हैं और आपने ये सरेआम देख भी लिया है भी उसको जो प्रेम सिंह है वो आर्मी का जो लड़का लगा उसके पिताजी को कितनी बुरी तरह उन्होंने पीटा है जी। तो आपने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने क्या कहा, क्योंकि आपने बाय नेम, और वो लोग कौन थे सबसे पहले ये बताइए? वो लोग यहाँ धाणी हैं, किलोमीटर लगभग वहाँ वो रहते हैं, उन्होंने पहले भी उन पे 307 326 के केस लगभग चल रहे हैं, उनका धंधा बना हुआ है लोगों के साथ झगड़ा करना, अपना दबदबा बनाना जी, भी अपनी जो दबाव बनाने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, वो दबाव बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। और हमने FI दर्ज करवा दी, अनूप सिंह जो हमारे ताऊ का लड़का है, जो उसको भी चोटें लगी है, वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने बयान देकर बाय नेम जिनके उनको नाम याद थे, लगभग 13 आदमियों के नाम उन्होंने बता दिए हैं, लेकिन अभी तक हम DSP साहब के पास भी गए थे, उन्होंने हमें ये कहा है ये इंक्वायरी चल रही है, ये इंक्वायरी धीरे धीरे होगी, जैसे ये इंक्वायरी पूरी होगी तो हम आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन अभी तक 16 तारीख की ये बात है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, और ना ही कोई ऐसा हमें तो दिख रहा है अभी कोई एक्शन हो रहा है। और हमने ये भी सुनने में आ रहा है भी वो लोग जो हैं वो पैसे में शक्तिशाली हैं, वो हॉस्पिटल में जाके रुपए के दबाव से आपके ऊपर भी केस बना सकते हैं, लेकिन जो CCTV कैमरा है इसका मौके का गवाह है, जो आप देख सकते हो भी हमारे आदमियों को पीटा है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, सब कुछ उस CCTV कैमरे में कैद है। तो इनका कहना है कि पुलिस भी एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए, जिनको चोट लगी थी वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आप बताइए, कहाँ पे थे जिस टाइम वो लोग आए थे, कौन लोग थे वो, आपके साथ कैसा कैसा किया उन्होंने? उस टाइम मैं यहाँ मैडी में खड़ा था जी, कम से कम 25 लोग थे, 4 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर है, उसके पीछे कल्टीवेटर है, और आते ही पहले भाई साहब से हमला किया उन्होंने, इनके डब्बे तोड़ दिए हैं, कांच के हैं जो भी, कांच के भी वहाँ जो भी है, और उसको बड़े भाई साहब को प्रेम को पीटने लगे हैं। मैं वहाँ से भाज के आया हूँ, पहले मेरे तरफ बाजे, मैं भाग के आया हूँ यहाँ से, उसको तो वहीं से पीटने लग गए, उनसे कम से कम भी 100-150 लाठी और हथियार हैं जो लगे हुए हैं उनके, और उसके बाद में छोटा भाई आया उसके मारा है,
उन्होंने, उसके बाद में मैं आया हूँ, मेरे को मारा है, ये मेरे चोट लगी हुई है, दो जगह हैं यहाँ, यहाँ सात टांके हैं, तीन यहाँ हैं और चार यहाँ हैं, और उसके बाद में बड़ा भाई आया मेरा, उसको पीटा यहाँ, और उसके बाद में यहाँ से ये लड़कियाँ आई हैं, इन लड़कियों को भी मारा है उनने, फिर यहाँ लड़के लड़के सभी ये औरतें आई हैं, उसके बाद में भागे हैं यहाँ से वो। चलिए, इनका कहना है कि उन्होंने महिलाओं पे भी वार किया है, चलिए महिलाओं से जानते हैं कि उन्होंने कितना वार किया, कितनी चोट लगी। आप थे यहाँ पे, आपको चोट लगी थी, कैसे, कितने लोग थे, कैसे उन्होंने वार किया? मौके पर दुकान पर ही मैं जी, दुकान पर ही, दुकान पर आकर पहल पोतल मतलब दुकानों में करे कप्पा मारे, सामान ढो दिए सारो, और मारा कप्पा मार ला गया, मेरे पीछे हो गया, बाकी बाहर लाग गया, बाहर लाग गया, बाहर न मारता गया, दुकान में डाका डाल देंगे जब स्कीम करेगा। हाँ, प्रेम मेरा देवर का लड़का है, प्रेम तो बिना हाथ खींच गए, खाली हाथ है बिल्कुल, अभी ने हठा डालिया, बिन मारपीट कर दी, एक मेरे जेठ का लड़का है तो बिना बैठे मारपीट कर दी, एक मेरे देवर का फिर लड़का है तो यहाँ भाजता फिर मारपीट कर दी। अच्छा, लड़की का कपड़ा दिखाओ उन्होंने, ठीक जी, टूटिया वाड़ी के रहने वाला हूँ जी। तो ऐसे जी, पहले मेरे मामे का मर्डर हो गया था, उसका कोई पता नहीं लगा जी, तो अब ये प्रेम और राजू ये मेरे भतीजे हैं जी, इनके बहुत वो गुंडा ने चोटे मारती जी, बहुत ही बुरी हालत करी है जी, मरने से बिल्कुल मसा मचे हैं जी, तो मेरे को भी धमकी दी जी, मेरे को फ़ोन पे धमकी दी जी, किसी के फ़ोन पे धमकी दी, अभी तेरे को तू भी तैयार हो जा, तेरे को हम जान से मारेंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी फ़ोन पे, बहुत उसने गाली निकाली गंदी और बहुत मेरी बुरी हालत, कहते तेरे को भी जान से मारेंगे जी, ये बोल रहे हैं जी। मेरे मामे का कोई पता लगा जी, 5-6 साल हो गए मार दिए उसको जी। डर जी बहुत ज़्यादा लग रहा है, इन्होंने स्कूल के बाहर गदर मचा रखा है जी, और बच्चे घबराते हैं, स्कूल जाने से मना करते हैं, और गांव की बहन बेटियां उनको भी दिक्कत आती है, ये रोड पे जी बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब गदर मचा रखा है जी, तो काफ़ी लोग परेशान हैं जी इनके, मतलब गांव नशा करते हैं जी, बहुत ज़्यादा नशा है, लोगों को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं जी, इनका जी सुधार किया जाए। बताइए क्या हुआ था, आपको भी चोट लगी थी? नहीं, मैं नहीं थी यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को लगी थी। अच्छा। और मैं उस लड़के की माँ हूँ जो देश की रक्षा करता है, लेकिन हमारी रक्षा करने वाले यहाँ वाले पुलिस वाले भी नहीं है, कोई भी कानून हमारे साथ नहीं है जी। जिसके पास भी जाते हैं, कोई आगे का टाइम दे देता है, कोई पीछे का टाइम दे देता है, मौके की उन्होंने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है गाँव में। अब ये भी कहने लगे हैं कि पहले तो हमने गुंडागर्दी की थी सिर्फ गाँव में, अब गाँव की लड़कियाँ उठाएंगे और बच्चों पर हमला करेंगे। इस लड़की पे हमला किया उन्होंने, ये जो लड़की मेरे हाथ में है ना, इस पे भी उन्होंने हमला किया, इस बच्ची पर भी हमला किया, ये फौजी की बेटी है। अब हमारा रक्षक कौन है यहाँ पे जब पुलिस वाले हमारा साथ नहीं देते, कानून को साथ जी, आप ये बताइए कौन थे वो लोग? बाहर के थे, जो कुछ गांव के लड़के लड़े हुए हैं, कुछ बाहर के आए हुए हैं, तो जो ये उन्होंने बयान करे यही सच है जी। अच्छा। बहुत महिला तो सबसे ज्यादा दुखी है। वो लोग हैं कौन, रंजिश क्यों रखते हैं आपसे? ये जो इन्होंने बयान किए है गुंडागर्दी, नशाबंदी, दारू बजाई और क्या, बाहर से आ जाते हैं, गांव के रड़े हुए सभी। आपने विरोध किया तो उसके बदले में उन्होंने ये को बदले में जो रोकते हैं, जो सबाई के उनको कहते हैं, तो वो बस उनका यही अभी कूटना मारना काम है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक महिला के, एक लड़की के कपड़े हैं, जिसको उन्होंने, ये जो लड़की है इसी के कपड़े हैं। कपड़ों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसके साथ बर्बरता बरती होगी, किस तरह से इसको घसीटा होगा, क्योंकि कपड़े सारे फटे हुए हैं और इतने कीचड़ में और पानी जो मिट्टी के अंदर, खून भी यहाँ पे खून बताया जा रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि ये खून है। तो इतना जब कपड़ों को खून लग जाता है, तो उसके बाद में एक अनुमान लगाना जाहिर सी बात है कि कितना इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा, और वो भी एक लड़की के साथ। लड़कों को तो पीटा ही पीटा, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ साथ बच्ची, एक छोटी सी बच्ची थी उसको भी नहीं छोड़ा गया, और अब यहाँ पे लड़की को भी नहीं छोड़ा गया। तो ऐसे में कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल यहाँ पे फेल दिखाई दे रही है। चलिए उनसे जानते हैं, आपके कपड़े हैं ये? अच्छा, तो क्या क्या किया था उन्होंने आपके साथ, किस तरह से आए थे वो लोग? वो इधर से आए थे और मेरा पापा को यहाँ पे कप्पा मारा सिर पे, ठीक है, तो मैं पापा के ऊपर गिरी तो मेरे भी मारी। अच्छा, इतना ही जी। तो कोई और लोग नहीं आए ये यहाँ पे बचाने के? आए थे जी, सारे आए, सारे जब लोग आए थे तो क्या हुआ? ओ सारे उन्होंने पीछे पे गए, आए थे जड़ियां पीछे पैन लग गए, मार के बाजा दौड़ी करने लग गए, तो
इन बार दी हो गए फिर वो बज गए मेरे इसके पाइप लगी है चार ही जने इस दुकान में। तो यहाँ से एक महिला और है वो अपनी कुछ बताना चाहती हैं। जी आप बताइए। हाँ मेरे घर वाला आया से दुकान थे ते मिर्च लेने नो अगे दुकान पिटी आंदे सी मुड़के आंदे चुड़ो आप बाहर निकलो तुम्हारी छुरी चकांगे ऐसे रोला पाके तो पिटन लग गए तो मेरे घर वाला तो घबरा गया बुढ़ा वाला बेचारा ते बाद में गाल काट के उसे सिक्का लड़के रले बाल ने क्या रले ने चमारा रले ने खूब बेइज्जती करी जी जिनानियां क्या कर देते हैं। चलिए अब हम कुछ जो बुजुर्ग लोगों बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया था उनके कपड़े आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से खून यहाँ पे खून लगा हुआ है यहाँ पे खून लगा हुआ है सफेद कपड़े हैं खून के धब्बे वैसे के वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इन लोगों ने पीटा होगा कितनी बर्बरता यहाँ पे उन लोगों ने बरती होगी लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में जांच करने की बात कह रही है ऐसा इन लोगों का कहना है। अभी हम पुलिस के पास भी जाएंगे उसका उनका क्या कहना है क्या वो इस मामले में रुख अपनाते हैं। तो फिलहाल देख आप देख सकते हैं इन कपड़ों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पे बर्बरता बरती होगी कितनी यहाँ पे निर्दयता के साथ इन लोगों को यहाँ पे पीटा होगा। लेकिन जिन लोगों को चोट लगी है उनका क्या कहना है कितने लोग घायल हुए हैं चलिए अब हम उनके पास चलते हैं उनके पास आपको ले चलते हैं कि कितना उनको नुकसान हुआ है कितनी चोट लगी है। और दाने से और गांव के कुछ कुंडे हैं तो गांव के ही कुछ कुंडे और दाने से हैं उन्होंने हमें उनको रोका हम दौड़ते हैं गुंडागर्दी के लिए हम तो उन्होंने हमें मारा बुरा भला का जहाँ तक कि औरतों के साथ भी ज्यादती करते हैं बुरा हाल है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। कितनी चोट लगी आपको कौन लोग थे वो चोट तो आपके सामने है जी देखो वो चोट लगी है। अच्छा और 11 आदमी देखा जमा तो उनका गांव में कोई ऐसा वो मौजूद नहीं है गांव में आते हैं शरेआम ना जैसे उन जी चाहते ना किसी के घर में बढ़ के लड़की का हाथ पढ़ लेते हैं लड़कियों में बेइज्जती करते हैं जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं वो उनका जी चाहता उसी को पीट देते हैं वो और रखते हैं दफ्तर कप्पे ये ना किसी की सुनवाई करते हैं ना किसी को ना किसी का दबाव उनको कोई ना कोई गांव का रोक सकता है कुछ और रोकने लगता है जो मेरे बजे मेरे जैसा उसके साथ ये कार्य करते हैं। आपने उनको रोका था तब रोकने की कोशिश की थी जी भी आप ये क्या कर रहे हो तो आप मैं साथ ही बुजुर्ग जी जने थे कम से कम ये 22 जी 22 जने थे ये मोटरसाइकिल पर आए जी और फिर वहाँ के गाड़ियाँ निकालने लग गए जैसे जी ये हमारी जाती जितना चूड़े फूड़े बाद में किया बार आपकी लड़कियों को उठा लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे यदि आप हमें रोकोगे तो हम आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे ये इस तरह बुरे व्यवहार जी और साथ में अब मेरा लड़का है फौज में जी वो देश की सेवा कर रहा है और मेरा लड़का वहाँ है जी और मेरी जगह यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है जी फिर मेरा फ़ायदा क्या जी फिर मेरे बच्चे की नौकरी करने का अच्छा है या तरीका या गलत है जी मेरे बच्चे मेरे घरवाली है जी बहू है जी घर पे सारे जी मैं ना हूँ तो इनको खुले जाऊँ परिवार परिवार तो आता जाएगा ना अब परिवार मेरा घना ही है परिवार तो आएगा फिर तो कुछ कर जाए जी तो उन्होंने मतलब अडम्बरा चढ़का जी कई हैं जी लड़के ये जिस तरह ये दो तो ये सरदार हैं आए हुए हैं बाहर से ये आए हुए हैं खैरपुर से सिरसा से ये उनके पास बाप का नाम था एक का नाम गुगर चलना और दूसरे सुखदेव सिंह उनके बच्चे जी और एक है जी दर्शन सिंह उसके बच्चे जी तो जिस तरह एक का नाम है बिल्ला एक का नाम है पाला जी एक का नाम है बलजिंदर जी एक का नाम पिंदा जी और कुछ गांव के अपने गांव के भी हैं जी 3-4 लड़के उन्होंने साथ में गैंग में मिला रखे करते हैं नशा जी चिट्ठा पीते हैं जी जो जी में आता जी वही खाते पीते हैं फुल नशा करते हैं आंधे रहते हैं जम बिल्कुल बहुत खूब नशा करते जी और सारे बच्चे हैं ना जो उन हमारे गांव के बच्चों को भी खराब रखे और हमारे गांव के बच्चे भी 2-3 दानकों के हैं जी
और एक हमारे जी ये सागर सागर जी, ये तो बहुत हाई फाई गुंडा बन रही है, ये तो हमको ऐसे भी नहीं सोचता, मैं खुद बाली की ये भी गालियाँ निकालता है उनके साथ मिलकर। इन लोगों में खौफ इतना है उन लोगों का कि ये देखिए यहाँ पे जो छतों के ऊपर जो दीवार निकाल रखी है वो भी इन लोगों ने तोड़ दी है, ताकि इन लोगों को ये है कि न जाने वो कब रात को यहाँ पे आ जाए और हमला बोल दे और ना दीवार को फांदा जाए। ऐसे में इन्होंने दीवार को तोड़ दिया है ताकि अगर वो लोग यहाँ पे आए तो जैसे तैसे अपने आप को बचा सकें, भाग सकें यहाँ से। इन लोगों का ये कहना है, क्यों फोड़ी है ये दीवारें, आइए आपको इन्हीं से जानते हैं क्यों आखिर उन्होंने ये दीवार को फोड़ा है, कितना डर इनके मन में है। जी कितना डर अब आपको उनसे लगता है? बहुत है जी, बहुत डर है। अच्छा, तो ये आपने ये दीवारें क्यों तोड़ रखी हैं? जी डर दे, एक जगह सोन खतर भी बाहर जाएंगे कोई एला मार लेगा, मैं गाम राम छुटाओ भाई, गुंडे आ गए बहन बेटियां चकन खतर बेटियां पर कह। रानिया खंड के गांव पत्ती राठावास में पिछले रविवार यानी 16 जुलाई को एक हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात में कई लोगों को चोटें आई थी जिनमें बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। आखिर किस तरह से उन लोगों ने इन लोगों को पीटा है, इन लोगों को घसीटा है, गले के अंदर सरेआम सफ़ेद धूप के अंदर सरेआम गुंडागर्दी की गई है। इस मामले में पीड़ित लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जब हमने पुलिस से प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वे गहनता से जांच कर रहे हैं और ग्रामीणों के दी शिकायत के आधार पर जो आरोपी हैं उन आरोपियों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने बताया कि शीघ्र ही उन अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस का तो ये कहना है कि उनको शीघ्र पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आखिर वारदात किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, चलिए वो हम आपको एक सीसीटीवी की फुटेज दिखाते हैं। ये देखिए इस CCTV फुटेज के अंदर जो चार बाइक अभी निकले हैं वो बाइक सवार उस दुकान के आगे आकर के उतर जाते हैं, और अब देखिए जिस तरह से दुकान के अंदर वो गए हैं, दुकान के अंदर जाकर के किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, और उस दुकान के अंदर एक वही बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ था। अब ये देखिए ये उस गली के अंदर गए हैं वो लोग, गली के अंदर वो बुजुर्ग जो थे उनको अब पीटने की कोशिश में है। अब ये देखिए ये जो युवक अभी भागा है वो इनके डर से भागा है, वो दुकान छोड़ करके अपने भागा है। ये देखिए किस तरह से लाठी डंडे हाथ में लिए हुए सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ये देखिए ये तीन लोग और बाइक पे आए हैं और ये कुल मिला के 20 से 25 लोग यहाँ पे हैं और पूरी गली को कब्जा रखा है। और ये देखिए किस तरह से वो केवल एक अकेले बुजुर्ग को वहाँ पे पीटा जा रहा है। देखिए किस तरह से बर्बरता के साथ वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीट रहे हैं। अब ये जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैक्टर भी उन्हीं लोगों का है। ये देखिए ये जो ये दो लोग हैं, ये दोनों लोग इसी ट्रैक्टर पे आए थे और एक इस पे वापस चला बैठ गया है, और बाकी ये जो दो लोग इस साइड जा रहे हैं आगे राइट साइड की तरफ वो उस दुकान की तरफ गए हैं, और बाकी जो 20 से 25 लोग हैं वो वहाँ युवक को पीट रहे हैं। उस एक युवक की बार बार पिटाई कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं वो वही व्यक्ति है जिसके हाथ पे प्लास्टर था और सर में चोट आई थी। अब ये वो महिला देखिए, वो महिला को भी ये नहीं छोड़ेंगे, वो महिला इनका विरोध कर रही है लेकिन पूरी गली से कोई नहीं आ रहा है, पूरी गली खाली दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब वो वहाँ से पीट के उनको वापस आए। अब उस साइड जो पीटने वाले युवक थे जिनकी पिटाई हो रही थी जिस बुजुर्ग की, उसके परिवार के लोग आए हैं इनका सामना कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह जैसे ही वो बाहर निकल के आए हैं, वो संख्या में ज़्यादा थे तो ये लोग भाग निकले। ये देखिए किस तरह से बाइक के ऊपर सवार होकर के ये लोग भाग रहे हैं और वो पीछे जो बचाव पक्ष के लोग हैं जो पीड़ित हैं वो लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह से सरेआम
घटना को अंजाम दिया गया। जिन लोगों के चोट लगी है उनसे आपने सुना देखा कितनी उनको चोट लगी हुई है, किसी का सिर फटा हुआ है, किसी के हाथ का प्लास्टर हुआ है, किसी को पैर में चोट लगी है, उन लोगों ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपने देखा। साफ तौर पे सभी लोगों का यही कहना है कि शरेआम गुंडागर्दी अपनी धाक को अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए वो लोग शरेआम गुंडागर्दी करते हैं ताकि ये लोग उनसे डरते रहें।